हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त साहिल खान वेस्ट इस फैमिली से, और आज एक बहुत ही जबरदस्त नया टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए। और ये टॉपिक उन लोगों के लिए ज्यादा सबसे ज्यादा बेहतर है जो अभी अभी इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूँ। और आज मैं आपको ऐसी कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ कि वेस्टीज तो ज्वाइन कर लिया, बट वेस्टीज में सफल कैसे हो, शुरुआत कैसे करनी है, काम कैसे करें हम। तो दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है कि जब इस बिजनेस को आप ज्वाइन करते हो तो नए लोगों का जो काम करने का तरीका होता है, वो अपने सोचते हैं कि मैं किसको बताऊं किसको बताऊं। तो एज ए अप्लाइंग, एज ए सीनियर, हम लोग उसको बताते हैं कि सर, आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है मतलब आप जितने लोगों को जानते हो उसकी लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट को एक एक करके फिर जो भी आपके खास लोग हैं, सबसे पहले आपको खास लोगों से मिलाना है, और एक एक करके उन खास लोगों से आपको मिलाना है। तो दोस्तों, बंदा बोलता है ठीक है। अब शुरू होता है कहानी। शुरू कहानी कैसे होती है कि मान के चलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मैं अब बताने वाला हूँ किसको, मैं अपने मामा के लड़के को बताने वाला हूँ। तो मैंने इस बिजनेस अपने मामा के लड़के को बताया, चूंकि वो मेरा खास था, अच्छा था, तो मैंने अपने मामा के लड़के को, दोस्त को बताया ये बिजनेस। वो आया, देखा और बोले ठीक है, सोचता हूं मैं, देख के बताता हूं। अब होता क्या दोस्तों, जैसे ही मामा के लड़के ने आपके बिजनेस को देखा, अब वो पूरे फैमिली के अंदर में ये बात फैलाने वाला है कि यार फलाना फलाना साहिल इस बिजनेस को ज्वाइन किया और वो मुझे तो पकड़ा, और हो सकता है कल को तुम्हारे पास आए। तो जब मैं दूसरे मामा के लड़के से मैं बात करूंगा, तो हो सकता है कि उसको ये बातें जो मैं शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो अधकचरा नॉलेज वो मेरे मामा का लड़का, पहले मामा का लड़का दूसरे को पहले से ही बता दिया हो, और वो मेरा फोन नहीं उठाएगा और मैं परेशान हो जाऊंगा। कहीं ना कहीं दोस्तों, ऐसा आपके फ्रेंड के साथ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल का तो मैं बताऊँ, अगर आप चार पांच लोगों का आपका फ्रेंड का एक सर्कल है, अगर किसी एक को बताया आपने, तो वो एक फ्रेंड बाकी के फ्रेंड को बताएगा ही बताएगा कि साहिल आज मेरे से मिला था, और साहिल ऐसे ऐसे कुछ मेरे से डिस्कस कर रहा था जिसमें लाख रुपया दो लाख रुपया कमाने की बात करी थी, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, हो सकता है कल को तुम्हारे को कांटेक्ट करे, तो उसका फोन मत उठाना या उससे मिलना मत। तो दोस्तों, आप जब फोन करोगे तो वो फोन नहीं उठाएगा, या तो आपसे मिलेगा नहीं, गोली देगा आपको। आप उसको बोलोगे जी मुझे आपसे मिलना है, तो बोलेगा जी ठीक है, टाइम निकाल के मिलता हूँ, बट वो मिलेगा नहीं आपसे। और आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों कि वेस्टी ज्वाइन करके क्या मैंने गलत कर दिया कि लोग मेरे से मिलना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा होता है दोस्तों कई बार। तो अब ऐसा सिचुएशन ना पैदा हो, ऐसी सिचुएशन हो ही ना कि लोग आपसे भागे, उसके लिए क्या करना है दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब आप इस बिजनेस के अंदर में नया नया आते हैं तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, अगर इस टॉपिक को, इस नियम को अगर आपने फॉलो किया, तो मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों कि फास्टेड जो है आपका एक दिन में हो जाएगा। हम बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर में अगर फास्ट 8% करते हैं तो एक महीने का टाइम मिलता है आपको, बट मैं बोलता हूं दोस्तों एक महीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक दिन में फास्ट 8% अचीव कर सकते हैं। ऐसा मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं मैं आपको एक्चुअल में करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस बिजनेस के अंदर में जब आप आते हैं इस बिजनेस के अंदर में, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक तो बेसिक ट्रेनिंग की ट्रेनिंग लेनी है अपने सीनियर से। और जब आपकी बेसिक ट्रेनिंग हो जाए, आपकी लिस्ट बन जाए, तो आपको क्या करना है, अपनी मम्मी से जाके शेयर करना है, और मम्मी से क्या करना है बोलना है कि अपने रिलेटिव, अपने जितने भी अड़ोसी पड़ोसी और जानने वाले हैं सबको घर पे चाय पार्टी पे बुलाना है। मम्मी का काम मम्मी पे छोड़ दीजिए, मम्मी को बुला बोल दीजिए कि वो रिलेटिव को बुला ले, और आप क्या कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए, जो भी आपके चार पांच फ्रेंड्स थे उनको अपने घर पे चाय के बहाने पे चाय पार्टी पे बुला लीजिए। और बोलते हैं ना दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। हमारे वाली सर भी बोलते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो तैयारी, आपको जो तैयारी करनी है वो क्या करनी है, आपके अपने सीनियर को बता के रखना है कि सर मैंने अपने घर के अंदर में मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है, और उस मीटिंग में कम से कम 15 से 20 लोग आने वाले हैं, तो आप भी अच्छे से रेडी होके आना और अपने साथ में एक दो लीडर्स को लेके आना। तो अब होगा क्या दोस्तों, जब आपके घर में मीटिंग होगी, ऑर्गेनाइज होगी, तो सारे अड़ोसी पड़ोसी और जितने भी रिलेटिव सब घर पे ही होंगे। अब जब घर पे सबके सामने ये सारी बातें बताई जाएगी, वेस्टीज के बारे में बताई जाएगी, तो लास्ट में किसी के पास ऑप्शन नहीं बचेगा ना करने का। क्यों? क्योंकि जब वहां पे लगेगा ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, और ये भी करेगा, तो मैं भी कर लेता हूं। तो दोस्तों क्या होगा, देखा देखी होगा। अच्छा, अभी से पहले क्या होता था, मान के चलिए अगर आपने किसी ऐसे इंसान को बोला जिसको आपने मीटिंग करी, पर्सनल मीटिंग करी, अब वो आपको क्या बोलता है, जी मैं अपनी बीवी से पूछ के बताऊंगा। अब बीवी का बहाना टाल दिया। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, बीवी भी बैठी होगी और हस्बैंड भी बैठा होगा, भाई दोनों आमने सामने बैठा है, यहां जी क्या करना है कि नहीं करना है, तो वहां पे कट्टू कट्टे बातें होंगी। और अगर दोस्तों मैं अगर बोलूं, अगर वहां पे 20 लोग बैठे हैं, तो मैं बोलता हूं 20 में से 10 की बात तो समझ में आ ही जाएगी, और देखा देखी वहां पे छुपने वाली कोई बात नहीं, चूंकि रिलेटिव होते हैं, सारे लोग घर पे बैठे हैं, तो चाह के भी और ना चाह के भी अगर 50-50 बीवी का भी सामान ले ले, और 10 लोगों ने अगर 50-50 पीवी का भी सामान लिया, तो मैं बोलता हूं दोस्तों 10 लोगों ने 50 पीवी का सामान लिया, मतलब 500 पीवी तो आपका एक ही दिन में हो गया। बट ये तब होगा जब आपकी तैयारी अच्छी होगी और सही ढंग से आप उसको बता पाओगे। तो अगर
शुरुआत के अंदर में ये काम करें दोस्तों, और यही काम आपको सेम डुप्लीकेट करना है। कोई भी बंदा जब आपके टीम के अंदर में नया ज्वाइन करता है, उसको आप बोलिए कि अब नेक्स्ट मीटिंग जो होगी तुम्हारे घर पे होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं दोस्तों, अगर हस्बैंड इस बिजनेस को कर रहे हैं तो अपनी वाइफ को नहीं बताते हैं, अगर वाइफ कर रहे हैं तो वो अपने हस्बैंड को नहीं बताते दोस्तों, फिर कैसे होगा बिजनेस? क्योंकि हमारे इस बिजनेस की जो नींव होती है, मैं बोलता हूं कि ये बिजनेस जो है रिलेशन का बिजनेस है, और ये रिलेशन का बिजनेस जब आप घर पे रखते हैं ना, तो वहां से आपका रिलेशन बनता है, आपका उनके प्रति, उनका आपके प्रति, और बड़े आसानी से काम होता है। घर वालों को भी समझ में आता है, जो मान के चलिए कोई बच्चा है, अगर 15-20 साल का बच्चा, 20 साल का अगर बच्चा कभी ज्वाइन किया वेस्टीज को, उसके घर वालों को भी पता रहेगा कि ये मेरा बेटा लड़का बिजनेस कौन सा बिजनेस कर रहा है। हो सकता है उसके पापा मम्मी भी उसको सपोर्ट करे, बट अभी क्या, अभी हम बताते ही नहीं है दोस्तों। मैंने अभी अपनी टीम के अंदर में कुछ ऐसी चीजें करी है, मैं कोई भी बंदा ज्वाइन होता है मैं सबसे पहले बोलता हूं कि भाई मीटिंग जो होगी, नेक्स्ट मीटिंग जो होगी वो तुम्हारे घर पे होगी, और तुम अपने जानने वाले जितने भी लोगों को बुलाओ, और वहां से जो बिजनेस हो रहा है दोस्तों बहुत ही लाजवाब रिजल्ट आ रहे हैं। आप इसको अप्लाई करके देखिए, फर्स्ट मीटिंग जो भी बंदा ज्वाइन किया है उसके घर पे होने वाली है। 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए उसको, और बोलिए कि अभी किसी से कुछ नहीं बोलना है, अगली मीटिंग तुम्हारे घर पे होगी, सारे लोगों को बुला लो, वहां से हम काम शुरू करेंगे। और इस तरह से काम करके देखिए दोस्तों, देखो अभी क्या होता है ना, हम उसको इन्विटेशन के ऊपर डाल देते हैं, हम बोलते हैं कि आप इन्विटेशन करो। अब बंदा को नया नया है, उसको इन्विटेशन करना कहाँ आता है? जब तक वो इन्विटेशन करेगा तब तक तो वो खत्म हो जाता है, फोन पे ही बातें खत्म हो जाती है, तो ये नौबत आने ही नहीं देना है। इन्विटेशन तो एक समय के साथ सीखेगा बच्चा, बट अभी चूंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब आप उसके घर पे मीटिंग करोगे ना, तो एक चीज तो तय है दोस्तों, 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग तो ज्वाइन करेंगे ना, और जब शुरुआत के अंदर में उसकी मीटिंग में ज्वाइनिंग आ जाती है तो उसको भी कॉन्फिडेंस आता है, यहां ये काम मैं कर सकता हूं। और अगर एक एक करके बुलाओ, या इनविटेशन में फोन पे ही बंदा फंस गया, उलझ गया, उससे इनविटेशन ही ना हुआ, उसका बिजनेस ही शुरू नहीं हुआ, तो बंदा घबरा जाता है कि शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों घर पे मीटिंग रखने का ये फायदा है, मेरे को तो मिल रहा है, आपको भी मिलेगा, आप करके जरूर देखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप चाहो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, shlkhan50@gmail.com, ये मेरा फेसबुक आईडी है, और shlkhan50 ये मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी है। थैंक यू सो मच, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।